रियलमी 2 और रियलमी सी वन यूजर को फाइनली स्टेबल वाला कलर ओएस 6 और एंड्रॉइड पाई अपडेट मिलना शुरू हो गया है। आज सुबह हमने एक वीडियो भी पब्लिश करके आपको सारी डिटेल में जानकारी दे दी थी। तो जिन लोगों को आज अपडेट मिला है उनका एक कमेंट जो है मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिखना शुरू हो गया कि उनमें ऐप ड्रॉ का सपोर्ट नहीं दिया है। तो एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, जो कलर ओएस 6 है उसमें स्पेशली ऐप ड्रॉ का सपोर्ट दिया गया था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके फोन में ऐप ड्रॉ का सपोर्ट नहीं मिला हो। तो यहाँ पर लोचा ये है, मतलब ये प्रॉब्लम इसमें ये है कि जैसे कि आप ओटीजी कनेक्ट करते हो रियलमी डिवाइस में तो आपको एडिशनल सेटिंग में जाकर के ओटीजी को इनेबल करना पड़ता है, जो कि और किसी भी स्मार्टफोन ब्रांड में ऐसा नहीं होता है। लेकिन ओप्पो और रियलमी के जो डिवाइस है इनमें आपको स्पेशली सेटिंग में एडिशनल सेटिंग में जाकर के ओटीजी को इनेबल करना पड़ता है। और वैसा ही कुछ है रियलमी के कलर ओएस 6 में कि अगर आपके फोन में अपडेट आया है तो ऐप ड्रॉअर का सपोर्ट है। जैसे कि देख सकते हैं आप मेरे में ऐप ड्रॉअर है तो आपको भी ऐप ड्रॉअर मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको जाकर के इसे इनेबल करना पड़ता है। लेकिन जैसे ही आप इंस्टॉल करते हैं उस समय में आपका ऐप ड्रॉअर इनेबल नहीं होता है, आपको पुराना जैसा जो कलर ओएस 5.2 था वो ही सिर्फ आपको दिखता है। तो आपको इनेबल करने के लिए बहुत ही इजी स्टेप फॉलो करना है, सिर्फ स्क्रीन पे टैप करना है, मतलब प्रेस करके रखना है। और यहाँ पे आप देखोगे नीचे में एक सेटिंग का ऑप्शन आता है, इस पे क्लिक कीजिए और अंदर जाकर के आप देखिए यहाँ पे होम स्क्रीन मोड, यही चीज को आपको इनेबल करना है। मतलब इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ आप देखिएगा दो ऑप्शन दिख जाएगा, एक है स्टैंडर्ड मोड जो कि पुराना वाला जो कलर ओएस 5.2 था उसमें, जिसमें आपको ऐप ड्रॉअर नहीं मिलता है। ऐसा ही कुछ आपको दिखेगा जब आप पहली बार कलर ओएस 6 में फोन को यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको ऐप ड्रॉअर नहीं दिखता, इसलिए आपको लगेगा कि हमारे फोन में तो ऐप ड्रॉअर जो है आया ही नहीं है। आपको स्क्रीन पे प्रेस करना है और यहाँ पे सेटिंग में जाना है और होम स्क्रीन मोड में सेलेक्ट कर लेना है ड्रॉअर मोड को। जैसे ही आप ड्रॉअर मोड सेलेक्ट करेंगे स्विच कर दीजिए, आपके फोन में ऐप ड्रॉअर इनेबल हो जाता है, ये देखिए आ गया। तो बस इतनी छोटी सी चीज को आपको करना है और आपके फोन में ऐप ड्रॉअर जो है काम करना शुरू हो जाएगा रियलमी 2, रियलमी सी वन, बाकी यहाँ तक कि रियलमी 2 प्रो और रियलमी यू वन वगैरह में ही ऐसे ही आपको इनेबल करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। और रही दूसरी बात, जिन लोगों का अपडेट नहीं मिला है तो कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि अब अपडेट मिलना शुरू हो गया है, 2-3 दिन में बहुत लोगों को मिल जाएगा। आज मैंने जैसे कॉमेंट पढ़ा है ज्यादातर लोगों को अभी भी दिख रहा है कि नहीं मिला है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पहले कह रहे थे मुझे अपडेट नहीं मिला है, उन लोगों को मैं देख रहा हूँ कि अपडेट मिल रहा है। तो अगर आपको बहुत जल्दी है अपडेट चाहिए ही चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उसके लिए मैं जल्द ही एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा किस तरह से आप सबसे पहले अपडेट पा सकते हैं। तो कमेंट में बताइएगा, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा और साथ ही कुछ और भी इंटरेस्टिंग वीडियो इस फोन पे आने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा ही दीजिएगा। तो फिलहाल किस वीडियो में इतना ही, मुझे बस ये इन्फॉर्मेशन आपको देना था जो आप कमेंट में पूछ रहे थे। तो उम्मीद करते हैं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा हो, तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं शेयर भी कर दीजिए, और अगर पहली बार देख रहे थे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपसे विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर।